वालेकुम कैसे हैं आप सब दोस्त है सब खैरियत होंगे तो असाइनमेंट नंबर वन एम सी डी फोर जीरो थ्री की के साथ हाज़िर हुआ हूँ म्यूज़िक प्रोडक्शन ये आज ही अपलोड हुई है तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें दिया गया उसके अलावा टास्क के ऊपर हम गौर करते हैं बाकी चीज़ों को कापीड मटेरियल वगैरह ये फार्मल पाते हैं जो कि हर असाइनमेंट में दी होती हैं वो टास्क में गिवन है कि सपोज यू आर अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर एंड यू हैव टू प्रोड्यूस अ सॉन्ग फॉर द टीवी ड्रामा ठीक है तो राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ बेसिक फार्मूला फ्रॉम राइट टिल एंड ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ योर सॉन्ग यानी कि आपने प्रोडक्शन के तमाम स्टेप्स लिखने हैं कि जिसमें आप अपनी प्रोडक्शन को ज़ाहिर कर सको कोई सॉन्ग लिख सको तो मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है तो ये देखें तो सबसे पहले तो जब भी बात की जाए कुछ ऐसे सवाल की तो हमने सबसे पहले प्रोड्यूसर का लिखना है फंक्शन क्या होता है बेसिकली प्रोड्यूसर का फंक्शन हम लिख देंगे कि वो क्रिएटिव लीडर होता है एनी प्रोजेक्ट लाइक सॉन्ग फिल्म को प्रोड्यूसर कोई भी हो सकता है ना यानी कि सॉन्ग का प्रोड्यूसर म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो सकता है वो उसके अलावा फ़िल्म का प्रोड्यूसर हो सकता है तो प्रोड्यूसर कैन बी एनी थिंग ठीक है एनी टाइप प्रोड्यूसर वर्क मेनली विद रिकॉर्डिंग एक्टिंग और उसके अलावा ये तमाम डिटेल है जो कि आपकी बुक से ही है ठीक है और उसके अलावा इफ़ आई एम डूइंग टू प्रोड्यूस एंड वांट टू प्रोड्यूस अ जो हमें टीवी ड्रामा का सॉन्ग हमने प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमने सबसे पहले डिसीजन लेना है पहला स्टेप हमारा होगा डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिसाइड विच टाइप ऑफ ड्रामा सॉन्ग आई विल पब्लिश मीन सैड और रोमांटिक ठीक है सबसे पहले मैंने डिसाइड करना है कि मैं कौन सा जो सॉन्ग है वो प्रोड्यूस करूँ सैड या रोमांटिक ठीक है उसके बाद राइटिंग का स्टेप आ जाता है कि अगर मैं खुद लिख सकता हूँ तो मैं खुद लिख दूँगा अदरवाइज़ मैं कोई ना कोई हायर कर लूँगा बंदा रॉइटिंग के लिए थर्ड स्टेप होता है कंपोजिशन कम्पोजिशन के अंदर आई विल कम्पोज द रिटर्न सॉन्ग बाई मी और हायर अ पर्सन टू डू इट फॉर द चॉइस विल बी बेस्ट पॉसिबल म्यूज़िक यानी कि कंपोजिशन में अगर मैं खुद कर सकता हुआ उस सॉन्ग के लिए तो मैं खुद करूँगा अदरवाइज मैं हायर बंदा करूँगा कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आए अरेंजमेंट्स एंड प्री प्रोडक्शन प्रिप्रेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज अरेंजमेंट इन विच आई विल हायर एन आर्टिस्ट दैट फुलफिल माई रिक्वायरमेंट्स अरेंजमेंट्स के अंदर हम आर्टिस्ट को हायर करते हैं जो कि मेरे सॉन्ग के बैकग्राउंड में जो वीडियो होगी उसके लिए या फिर सॉन्ग को परफॉर्मेंस के लिए जो हम सिंगर्स वगैरह ढूंढेंगे और उसके अलावा जो म्यूज़िशन हायर करेंगे ये तमाम अरेंजमेंट्स के आता है बाकी उसके अलावा डी यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी उसके अलावा हम डिसाइड करेंगे कि हमने कहाँ करना है वो रूम के अंदर करना है या फिर स्टूडियो में करना है या आउटडोर करना है कहाँ रिकॉर्डिंग करनी है उसकी ठीक है तो ये तमाम उसके अलावा अगर आउटडोर करना है तो फिर हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं इलेक्ट्रीशियंस इंजीनियर सिक्योरिटी गार्ड्स उसके अलावा कैमरा लोकेशंस की हम बात कर लेंगे कि उसकी वीडियो के लिए जो कैमरा है हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं उसके अंदर लाइटनिंग आ जाएगी कि लाइटनिंग कैसी होनी चाहिए डे टाइम हम रिकॉर्ड करेंगे या नाइट टाइम पे ऑडियो की बात आ जाती है कि उसके लिए ऑडियो जो बैकग्राउंड पे है वो माइक्रोफोन की जरूरत हमें कैसी पड़ेगी उसके अलावा पावर की ज़रूरत हमें पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए हमें वॉकी टॉकी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी इंटरकॉम की ज़रूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक यानी कि कपड़े वगैरह रिक्वायर होंगे मुख्तफ किस्म के तो सिक्योरिटी की भी ज़रूरत होगी रिकॉर्डिंग एडिटिंग एंड रिमिक्सिंग अरेंजिंग द सॉन्ग तो लास्ट स्टेप हमारा होगा कि म्यूजिशियन विल परफॉर्म द सॉन्ग ठीक है इन द स्टेप द एडिटिंग एंड रिमिक्सिंग विल परफॉर्म द कंप्लीशन ऑफ द होल प्रोजेक्ट मीन द बैकग्राउंड वीडियो दैट हैज़ रिकॉर्डिड एंड द संगट रिकॉर्डिड इन द स्टूडियो विल कंपाइल ठीक है एंड द लास्ट स्टेप इज टू पब्लिश इन विच आई विल मेक श्योर मेक दिस श्योर दैट द सॉन्ग इज़ प्रॉपरली पब्लिश बाई माई स्टूडियो क्रियो मेम्बर्स दैट आई हैव हायर फॉर द प्रोजेक्ट तो ये टोटल असाइनमेंट थी आपको आई थिंक सो समझ लग गई होगी ये आपकी बुक में अवेलेबल है अगर आपको चाहिए ये तो आई विल अपलोड इन माय व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप इनशा आई विल शेयर देयर अल्लाह हाफ